नमस्कार, स्वागत आप सभी का बाजारों की चाल के अंदर। मैं हूं आपके साथ अखिलेश शाठी और बाजारों की चाल में चर्चा करेंगे यहां पर कमोडिटी बाजार के बारे में। और कमोडिटी बाजार के ऊपर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं आज SMC के रिसर्च एसोसिएट रविंद्र शर्मा जी। रविंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत आपका मार्केट MCV पर। धन्यवाद जी। रविंद्र जी, हमने देखा है कि जब से फेडरल रिजर्व बैंक ने ब्याज दर में बढ़ोतरी की है, तब से गोल्ड और सिल्वर के जो प्राइजेज हैं उनमें कभी गिरावट बनती है तो कभी प्राइसेस थोड़े बहुत तेज हो जाते हैं। तो आपसे जानना चाहेंगे कि इसका असर गोल्ड और सिल्वर के बाजार पर कैसा देखने को मिल सकता है। देखिए, गोल्ड और सिल्वर की बात करें तो फेडरल रिजर्व ने जो रेट हाइक की बात करी है और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए जो उनके मेजर्स लिए जा रहे हैं, उस वजह से प्राइसेस जो हैं ये थोड़े से डाउनसाइड जरूर दिख रहे हैं, क्योंकि जब रेट हाइक होता है तो डॉलर पॉजिटिव देखा जाता है। लेकिन जिस तरीके की इकोनॉमिक सिचुएशन इस टाइम बनी हुई है, वहां से सेफ हेवन बाइंग की जो है ये विटनेस हो रही है गोल्ड में, और यहाँ से चांसेस नेगेटिव साइड ट्रेड करता है और उसके बाद में एक दो दिन में बाइंग भी विटनेस करता है। तो अभी जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन में एक रेंज बाउंड ट्रेडिंग ज्यादा देखने को मिलेगी रेदर देन एक वन साइड मूव। और लॉन्ग टर्म बेसिस की बात करें तो ये लेवल्स काफी अच्छे हैं, तो हम बाइंग इनिशिएट करके चल सकते हैं। और आने वाले कुछ महीनों में हमें प्राइसेस जो है ये हायर साइड में गोल्ड में 52,000 से 53,000 की रेंज में दिखेंगे, और वहीं सिल्वर की बात करें तो 65,000 तक के लेवल हायर साइड में देखने को मिल सकते हैं। जी रविंद्र जी, जैसा आपने बताया कि आने वाले 3 से 4 महीनों में गोल्ड और सिल्वर में तेजी आएगी, तो इंटरनेशनल में क्या रेट हो जाएगा इसका? इंटरनेशनल कमोडिटी की बात करें तो इंटरनेशनल में चांस है कि गोल्ड जो है ये 1940 से 1960 की रेंज में ट्रेड कर सकते हैं, और वहीं सिल्वर की बात करें, सिल्वर में 2265 से लेके 2290 तक की रेंज ट्रेड कर सकते हैं। जी रविंद्र जी, क्रूड की बात करें तो क्रूड को तो हमने $120-$122 के आसपास ट्रेड होते हुए देखा था बीते कुछ दिन पहले, लेकिन आज देख रहे हैं कि अचानक से गिरावट बनती नजर आ रही है। तो ये ऐसा क्यों देखने को मिल रहा है कि क्रूड में अचानक से गिरावट बनी है? देखिए, एक तो इन्वेंट्री की वजह से प्राइसेस जो है ये डाउनफॉल विटनेस किए थे, और उसके बाद में कंटिन्यूएशन में हमें सेलिंग देखने को मिली है इन्वेंट्री के बाद से। अभी चांसेस यही लग रहे हैं, तो प्राइसेस जो है ये इसमें प्रोडक्शन जो है ये इंक्रीज करने की बात चल रही है कि प्रोडक्शन थोड़ी सी इंक्रीज करी जाएगी, और उसी वजह से हम देख रहे हैं कि प्राइसेस जो है ये डाउनसाइड स्लिप कर रहे हैं। और दूसरा जो है वो इकोनॉमिक सिचुएशन को लेके इस समय कंसर्न है जी, इकोनॉमी जो है ये डाउनफॉल कर रही है, और उसी वजह से डिमांड जो है ये शंका है कि कम हो सकती है, और उसी वजह से प्राइसेस जो है क्रूड के ये डाउनसाइड मूव कर रहे हैं। लेकिन चांसेस ज्यादा डाउनसाइड देखने को नहीं मिलेगा क्रूड ऑयल में। डॉलर टर्म्स में बात करें तो 102-103 के अराउंड वहां से फिर अगेन बाउंस बैक देखने को मिलेगा। जी रविंद्र जी, नेचुरल गैस में भी हमने यहाँ पे नरमी आते हुए देखी है। जो नेचुरल गैस $9.5 तक ऊपर में ट्रेड कर चुकी थी, अब वही नेचुरल गैस $6 से $7 की रेंज में है। ऐसा क्यों देखने को मिला कि नेचुरल गैस में अचानक से इतनी भारी गिरावट आ गई? लेकिन नेचुरल गैस के प्राइसेस जो थे ये सर्ज हुए थे रशिया यूक्रेन क्राइसिस की वजह से, और उस समय वेदर डिमांड जो थी वो उस समय डिमांड बहुत ज्यादा थी नेचुरल गैस को लेके, क्योंकि वेदर रिपोर्ट्स जो थे वो फेवर कर रहे थे प्राइसेस को, और सप्लाई जो थी वो शॉर्टेज हो रही थी, और उसी वजह से प्राइसेस हायर साइड जा रहे थे। अभी वेदर जो है वो इतना फेवरेबल नहीं है नेचुरल गैस प्राइसेस के लिए, और डिमांड जो है वो भी सफिशियंट है मार्केट को केटर करने के लिए, और इसी वजह से प्राइसेस जो है ये डाउनसाइड फॉल कर रहे हैं। आने वाले में दिनों में हम देखेंगे कि M6 पे नेचुरल गैस प्राइसेस 480 के लेवल तक आ सकती है। जी रविंद्र जी, इसी के साथ बेस मेटल्स की बात की जाए तो बेस मेटल्स में कैसा रुझान रहने वाला है अभी? कि बेस मेटल करेक्टिव मोड पे चल रहा है, यहाँ से चांसेस हैं, क्योंकि आज एक न्यूज जरूर हमने पढ़ी थी कि कॉपर की जो लार्जेस्ट माइन है वो अब इस समय प्रिपेयर कर रही है कि वो एक एजिटेशन करें अपने जो कंसर्न है उनको लेके और सैलरी वेजेस को लेके। तो अगर वैसा होता है तो फर्दर बाउंस बैक देखने को मिलेगा, लेकिन अगर वैसा नहीं होता है तो अभी फॉर द टाइम बीइंग डाउनसाइड ज्यादा मूव देखने को मिलेगा। जी रविंद्र जी, नॉन एग्री कम्युनिटीज में ऐसे हाई वॉलेटिलिटी के बाजार में आप टॉपिक्स क्या देना चाहेंगे? ये लेड दिख रही है, लेड को हम लोअर लेवल से जुलाई कॉन्ट्रैक्ट को बाय करके चल सकते हैं 180 से 82 की
194 लेवल देख सकते हैं। वहीं शॉर्ट स्ट्रीम में तो नेचुरल गैस को शॉर्ट करके चल सकते हैं, 530 की रेंज से 532 की रेंज पे शॉर्ट करेंगे और डाउन साइड में 480 तक के लेवल देख सकते हैं, 550 अबव का रहेगा स्टॉप लॉस। जी तो ये तो बात करी थी हमने यहाँ पे नॉन एग्री कम्युनिटीज की, अब आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं रविंदर जी से एग्री कम्युनिटीज की, जान लेते हैं रविंदर जी से कि एग्री कम्युनिटीज में कहाँ पर कितने कमाई के मौके हैं। रविंदर जी आज देख रहे हैं कि शाम के ट्रेडिंग सेशन में तो पूरा ही एग्री कम्युनिटी पैक NCDX पर लाल निशान पर ट्रेड करता नजर आ रहा है। रविंदर जी आपसे जानना चाहूंगा ये जो पूरे ही एग्री कम्युनिटीज में लाल निशान देखने को मिला है आज, 2-3% के लोअर सर्किट्स लगे हैं, ऐसा क्यों देखने को मिला है? देखिए आज एक तो प्राइसेस जो है ये ग्वार शीट पे जो है ये क्रूड का असर देखने को मिल रहा है, इस वजह से ग्वार कॉम्प्लेक्स जो है ये डाउन साइड में है। वहीं कॉटन की बात करें तो कॉटन प्राइसेस जरूर हमें इस समय नेगेटिव साइड में ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं, लेकिन आप अगर ओपनिंग से देखें तो ओपनिंग से वो हायर साइड ही ट्रेड कर रहे हैं, प्रीवियस क्लोजिंग के अकॉर्डिंग वो डाउन साइड में है। प्राइसेस जरूर गैप डाउन ओपन हुए थे लेकिन उसके बाद में रिकवरी विटनेस कर चुके हैं, ऑलमोस्ट अपने प्रीवियस क्लोज के अराउंड कॉटन प्राइसेस जो है ये ट्रेड कर रहे हैं। सेम कोकोड के साथ भी है, कोकोड भी रिकवरी विटनेस कर रहा है, चांसेस हैं कि अभी यहाँ से फर्दर हायर साइड देखने को मिलेगी। और रही ये स्पाइसेस की बात तो स्पाइसेस में जरूर करेक्शन हमें काफी दिनों से वीकनेस हो रही है, इसके फंडामेंटल्स काफी वीक हैं और फर्दर चांसेस हैं कि डाउन साइड ही इसको देखने को मिलेगा। जी रविंद्र जी हमने बिनौला खल में यहाँ पर 2682 तक का लो लेवल लगते हुए देख लिया है आज, क्या लगता है क्या यहाँ से प्राइसेस अभी थोड़े और करेक्ट होने बाकी हैं क्या? देखिए करेक्शन यहाँ पे कंप्लीट होती हुई दिख रही है, चांसेस हैं कि 2600 के आसपास का सपोर्ट कमोडिटी होल्ड करनी है और यहाँ से बाउंस बैक देखने को मिलेगा क्योंकि कॉटन प्राइसेस भी हायर साइड में है और उसको रेप्लिका करते हुए ये प्राइसेस भी हायर साइड मूव करेंगे। और अगर 2650 का सपोर्ट होल्ड करती है कमोडिटी तो हायर साइड में 2810 और 2850 के लेवल आने वाले हफ्ते में हमें देखने को मिल सकते हैं। जी रविंद्र जी मसालों में क्या लगता है? मसालों में तो हम देख रहे हैं कि धनिया और जीरे की जो सोइंग है वो कमजोर बताई जा रही थी, प्रोडक्शन भी पहले के मुकाबले कम ही बताया जा रहा है, तो ऐसे में मसालों के जो प्राइसेस हैं वो क्यों नहीं उठ पा रहे, मसालों में क्यों नहीं तेजी आ पा रही है? देखिए इसमें डिमांड और अराइवल्स जो है वो स्टेडी ही है और उसी वजह से प्राइसेस जो है ये डाउन साइड अभी सफिशियंट अराइवल्स करेगी तभी प्राइसेस जो है ये हायर साइड मूव करेंगे। अभी फॉर द टाइमिंग डिमांड जो है ये काफी स्लो दिख रही है मार्केट में और जितनी डिमांड है उस हिसाब से जो केटर करने के लिए उनको प्रोडक्शन है वो सफिशिएंट है और उसी वजह से प्राइसेस जो है ये डाउन साइड में हमें देखने को मिल रहा है। जी रविंद्र जी ग्वार में भी हमने यहाँ पे काफी ज्यादा नरमी आते हुए देख ली है, आज देखने की गम के अंदर 5.5% का लोअर सर्किट है, ग्वार सीड में 3.5% का, क्या अभी ग्वार के जो बाजार है यहाँ से थोड़ा और करेक्शन मोड में जाएगा या फिर यहाँ से लो लेवल बाइंग इनिशिएट हो जाएगी? देखिए ग्वार की बात करें तो ग्वार में क्रूड ऑयल का इंपैक्ट क्लियरली यहाँ पे विटनेस करने को मिल रहा है, हमने पिछले हफ्ते जरूर देखा था कि प्राइसेस जो थे ये रिकवर किए थे लेकिन उसके बाद में हायर साइड में सस्टेन नहीं कर पाए थे, तो अभी भी चार्ट पैटर्न्स की बात करें तो ग्वार सीड में और ग्वार कम में दोनों में पैटर्न्स नेगेटिव बनते हुए दिख रहे हैं और चांसेस है कि यहाँ से फर्दर डाउन साइड जो है ये देखने को मिलेगी। ग्वार सीड की बात करें तो सपोर्ट जो है ये 5200 के अराउंड होल्ड कर रहा है और वही ग्वार गम की बात करें तो गम में सपोर्ट होल्ड कर रहा है वीकली 9500 के अराउंड, तो यहाँ से भी लगभग 500 पॉइंट की रैली देखने को मिल सकती है। जी रविंद्र जी एडिबल ऑयल पैक में क्या लग रहा है आपको? खाद्य तेलों में देख रहे हैं कि इंडोनेशिया ने भी काफी फैसले लिए हैं, भारत भी इंपोर्ट बढ़ा रहा है, तो ऐसे में अब पूरे एडिबल ऑयल का बाजार कैसा रह सकता है? देखिए एडिबल आइटम्स अभी मैंने लिखे हैं तो उसमें चांसेस हैं ये फर्दर अभी डाउन साइड के ही दिख रहे हैं, अभी हायर साइड इसमें बनती हुई नहीं दिख रही है, सेलिंग पैटर्न्स बने हुए हैं और काफी इंपल्सिव सेलिंग विटनेस हो रही है वहाँ पे, प्राइसेस 6600 से 4900 तक फॉल कर चुके हैं ऑलरेडी और चांसेस है कि डाउन साइड में 4500 तक के लेवल्स इसमें देखने को मिल सकते हैं।
हमारे एनालिसिस के हिसाब से चांसेस ये हैं कि इसमें सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी बेहतर रहेगी। ठीक है रविंद्र जी, एग्री कम्युनिटीज में ऐसी सिचुएशन में टॉपिक्स के देना चाहेंगे आप? कॉटन बाय करके चल सकते हैं, कॉटन जुलाई बाय करेंगे 45,500 के अराउंड और 45,200 का स्टॉप लॉस रहेगा 45,300 के नीचे। दूसरा कॉल हमारा रहेगा ग्वार गम का, गम को हम शॉर्ट करके चलेंगे 1,050-1,100 की रेंज में, स्टॉप लॉस रहेगा 1,300 से ऊपर और टारगेट करेंगे 9,700 को। जी बहुत बहुत शुक्रिया रविंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। तो ये था एक छोटा सा कम्युनिटी बाजार का अपडेट कि आज शाम के कारोबारी सत्र में कम्युनिटी बाजार कैसा ट्रेड करता नजर आ रहा है और उस पर हमारे एक्सपर्ट की क्या राय थी। फिलहाल बाजार की चाल में अभी के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।